मुबारक महीना शुरू होकर चंद दिन गुजर गए इधर ये वबा और बीमारी की वजह से लोग इसी मशगले में रहे और ये महीना हमारे सर पर आ गया ये महीना रमजान मुबारक की तैयारी की दस्तक दे रहा है और हमें रमज़ान के लिए चाको चौबंद हो जाने की खबर दे रहा है इस्लाम में इसकी पहले से अजमत और अहमियत रही है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे शाबान में ज्यादा रखते थे इसके अलावा पूरे महीने के रोजे रमजानुल मुबारक के रखते थे हजरत आयशा रजी अल्लाह तवायत से ये पता चलता है कि कभी तो इतने रोजे रखते शाहबान में कि ऐसा मालूम होता कि आप पूरे महीने रखेंगे और कभी बिल्कुल नहीं रखते थे लेकिन नफली रोजों में शाहबान के रोजे आप ज्यादा रखते थे आम मतन पीर और जमारात को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजे रखने का मामूल रहा है शाबान को शाबान क्यों कहते हैं लिखा है कि शाबान शोबा से बना है शोबा पहाड़ की बुलंदी को कहते हैं क्योंकि ये महीना भी नेकियां करने वालों को रहमतों की पहाड़ियों जैसी बुलंदी पर पहुंचा देता है इसलिए इसको शाबान कहा शाबान के एक माना जमा करने के आते हैं इस माह में बहुत सी खैर और भलाइया एक साथ जमा हो जाती हैं। शाबान के माने मुतफरक करने के आते हैं इसलिए कि तमाम भलाइयों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम और अलग अलग किया जाता है गोया ये मुबारक महीना खैर कसीर को जमा करके उनके तकसीम करने का महीना है शाबान में पांच हरूफ हैं सीन से शराफत से सेलू मरतबत बा से बिर और नेकी अलिफ से उल्फत और महबत और नून से नूर मुराद लिया गया है गोया शाहबान का महीना अपने नाम ही से जाहिर कर रहा है कि जो बंदा इस महीने की कदर वजीन करेगा अल्लाह तक मजकूरा पांच इनाम से सरफराज फरमाएंगे माह शाहबान इस्लामी तकवीम का आठवा कमरी महीना है और बड़ा आजमत वाला महीना है रमजानुल मुबारक की सुबह है और आगे नहायत मुबारक महीना रमजानुल मुबारक का आने वाला है शेख उलमशाक सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमत गुनिया में तहरीर फरमाते हैं कि साहब कि का बान का चांद देखते ही कुरान करीम की तिलावत में ज्यादा लग जाने का मामूल रहा अपने अमवाल की ज़क़ात अदा कर देते ताकि गौराबा में भी रोजा रखने की ताकत पैदा हो जाए हाकिम लोग कैदियों को तलब करते और मुस्तहिर हद हों तो उन पर हड़ कायम करते बाकी मुजरिमों को आज़ाद कर देते सौदागर अपने कर्जे अदा कर देते दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते और जब रमजान का चांद नजर आता तो एतिकाफ में बैठ जाते शाबान की अजमत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग इस महीने की बरकतों और खूबियों से गाफिल हैं, हालांकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह रबुल्जत की बारगाह में पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल बारगा इजी में पेश हों तो मैं रोजे से हूँ शाबान में अहम वाकयात पेश आए हैं माह शाबान में नवास रसूल सैयदा हजरत सैदना हसन रज्ला की विलायत हुई इसी माह में तहवील किबला का हुक्म हुआ कि बैतुल मुकद्दस से बैतुल्ला की तरफ रुख किया जाए इसी महीने के अखीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समजान का तारुफी खुतबा इरशाद फरमाया कुरान मजीद कुरान मजीद के नुजुल का फैसला भी इसी माह में हुआ नेज झूठे नबूवत के दावेदार मुसलमय कज्जाब को इसी माह में ठिकाने लगाया गया मस्जिद दरार को इसी माह में नजर आतिश किया गया रमज़ानुल मुबारक का अहम फरीजा रोजा है अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे भी इसी माह शाबान में फर्ज फरमाए और रमज़ान के अख्ताम पर सदक फितर का वजूब भी इसी माह शाबान में हुआ लिहाजा शाबान में तिलावतों को और इबादतों को बढ़ाया जाए और नसली रोज़े भी रखे जाए और इबादत का एहतमाम किया जाए और रमजान मुबारक की आफियत के साथ आमद और उसमें इबादत और तात की हिम्मत मिले इसकी दुआएं बारगाह में अल्लाह के जरूर की जाएं। शाबान में गुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल में रोजा रखना और बेहतर ये है कि पंद्रह शाबान के बाद रोजा न रखे पंद्रह शाबान यानी चौदह का दिन गुजर कर रात जो आएगी उसे शब बरात कहते हैं बरात के माना नजात छुटकारा हदीस शरीफ में फरमाया के अल्लाह ताला कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा इस रात में मक्फरत फरमाते हैं अपने बंदों की और जन्नत में दाखला इनायत फरमाते हैं और ये रात बड़ी बरकत वाली है बारत में बा के माना बरकत रा के माना रहमत अलिफ के माना उन्स और उल्फत और ता के माना तोबा ये तोबा इसतफार और रो धो कर अल्लाह ताला को राज़ी करने का जमाना और रात है ये बड़ी अहम रात है मशाइ और सा और खुदर पाक सल्ला मजीद इबादतों का अहतमाम फरमाते थे रात को ज्यादा लम्बी नमाज हजूर पाक स पढ़ी है जैसा के हजरत आयश रजी अल्लाह तरमाती है और पंद्रहवीं का रोजा भी रखा जाए हजरत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामद बरकत हूँ फरमाते हैं कि दो वजह से एक वजह यह है कि ये अयाम बीज में यानी इस्लामी तारीख की तेरह चौदह और पंद्रह को रोजा रखना हजूर पाक सल्लाम के मामूलात में है दूसरा ये कि ये शाबान है इसलिए रोजा रखना मुनासिब है जो हजरात मरीज हैं शुगर के या और अमराज से मुतल हैं माजूर हैं तो खैर वो माजूर हैं लेकिन कब्रिस्तान भी गए हैं हजूर पाक सल्लाम शब्बरात में और शबे बरात में अकेले तशरीफ ले गए और एक ही मरतबा बकी बर, बरकद में तशरीफ ले गए थे और बार बार जाना आपका साबित नहीं है अकेला जाए और मरहूमिन के लिए मखसरत की दुआ करे बाकी रात में जितना हो सके मगरिब के बाद से इबादत में लग जाए नफली नमाजें पढ़े कुरान की तिलावत करे नजूल इजलाल फरमाते हैं मगरिब के बाद से शब्बरा में हकता शान हु जैसा कि उसकी शान है और फिर जो है खिताब फरमाते हैं कि है कोई मकफिरत का तलबगार कि मैं उसकी मकफिरत कर दू इबादतें अलग अलग तरीके से की जा सकती हैं सूर यासीन पढ़ा जाए सूरह मुल्क पढ़ा जाए और इसी तरह सूर वाकया पढ़ी जाए और जहां कुरान करीम का जो हिस्सा चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर जितना पढ़ सके आसानी से पढ़े कसरत से इस्तेफार करे नफली नमाजें पढ़े कोई मखसूस इबादत तमाम लोगों को जमा करके मजमूरी तौर पर करने का कोई सबूत नहीं है सब सहाबा और हजूर पाक सल्लाह आसलम अपनी अपनी इबादत और तात फरमाते थे ये बड़ी मुबारक रात है और बड़ी अजमत वाली रात है हजूर पाक सल्लाम का एक बार कब्रिस्तान जाना भी साबित है अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कम उम्रों में ऐसे मौके मुरतब फरमाए हैं जिसमें बेपाया रहमतों और बरकतों नवाजिशों से अल्लाह ताला बंदों के दामन को भरना चाहते हैं, कम वक्त में ज्यादा सवाब इनायत फरमाना चाहते हैं, ऐसी रातों में एक रात ये निसफ शाबान वाली भी है इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया कि जब शाबान की पंद्रहवीं रात हो जाए तो इस रात में नमाज पढ़ो और इसके दिन में रोजा रखो शब बरात में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बावजूद मखफिरत की अमूमियत के उन हजरात की मकफिरत नहीं होती इनमें से एक वो है जो शिरक करता हो अल्लाह तिरक और मुशर की मफिरत नहीं फरमाते इन अल्लाह फिर कभी व यफिर मादू नजालय पुरान करीम का इर्शा दे दूसरी जगह रब कायन फरमाते हैं व इज का लुकमान लिबन ही व्यायला तुश बिल्ला इन्न शिर कल जुलीम शिर के जुर्म आजीम और बगावत है और ये जुर्म नाकाबिल माफी है लिहाजा हर किस्म के शिरक से माफी मांगे तोबा करें कल में का विरद कसरत से करें नंबर दो दिल में कीना रखने वाला और कीना पालने वाला अल्लाह ताला उसकी भी इस रात में मफ्फरत नहीं फरमाते और वो मक्सरत से महरूम रहता है ऐसी मुबारक रात में लिहाजा अपने दिलों को कीनों से साफ करके बेकीना कर देना चाहिए वो सीना जो बेकीना हो अल्लाह को ज्यादा पसंद है वाले का नाफरमान उनका दिल दुखाने वाला ये भी इस रात में बख्शा नहीं जाता इसलिए उनसे माफी मांग ली जाए उनको राजी किया जाए उनको खुश किया जाए दादो दहिश की जाए और जिनके वालदे इंतकाल कर गए हैं इन मरहूमों के लिए दुआए मफरत की जाए इसाले सवाब किया जाए पढ़कर उनको बख्शा जाए पता रहमी करने वाला यानी ताल्लुकात और रिश्तों को तोड़ने वाला ये नहीं बख्शा जाएगा हालांकि मकफिरत अल्लाह की आम है उसके बावजूद ये शख्स इस कदर जालिम है कि अल्लाह ताला इस पर रहम नहीं फरमाते रिश्ते नाते जोड़ने का हजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने हकम फरमाया है और रिश्ते नाते तोड़ने को किताबुल्लाह में भी बुरा करार दिया है शराब का आदि कुल्ल मुस्किरिन हराम, हर शुक्र पैदा करने वाली और नशा पैदा करने वाली चीज से एहतियात करना परहेज करना यह हराम है नशा इससे बचो इसके साथ दुआएं कबूल नहीं होती और आमाल मुअल्लक कर दिए जाते हैं शराबी की इस रात में भी मफरत नहीं होती और टखनों से नीचे जो मर्द इजार लटकाते हैं कुर्ते लटका रहे हैं अबाये लटकाते हैं अल्लाह तला को ऐसे मुतकबिर और मगरूर शख्स पसंद नहीं है ऐसे लोगों की भी यही हालत रहेगी कि उनकी मकफिरत नहीं की जाएगी गैब की बातों के जानने वाले सिर्फ अल्लाह हैं लेकिन अगर कोई गैब की बातें बताने का दावा करता है और ऐसी बातें करता है ऐसे शख्स की नमाज चालीस रोज तक काबिल कबूल नहीं होती गैब की बात बतलाने वाले के पास हदीस शरीफ में कोई कहते हैं आया फिर उसने उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ किया तो उस शख्स की नमाज चालीस रोज तक कबूल नहीं होती शब बारात का सबूत अहादी से मुबारक से है ज़्यादा रिवायतें जयीफ हैं और चार रिवायतें जो सुनने इब्ने माजा की हैं और दूसरी रिवायतें कुल मिलाकर दस से ज्यादा रिवायतें हैं अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि शब बरात की फजीलत में अक्सर रिवायात जयीफ हैं लेकिन बाज रिवायात के जयीफ होने की बिना पर इस रात की फजीलत ही को बेअसल कहना कहाँ तक सही हो सकता है और सारी रिवायतों का इनकार किस तरह किया जा सकता है जबकि मुहदसिन के, के यहाँ कायदा है कि जब किसी ज़ईफ़ हदीस को उम्मत के आम तौर पर कबूल कर लें तो सही कौल के मुताबिक उस ज़ईफ़ हदीस पर अमल किया जा सकता है नीज मुहदसिन के नजदीक ये भी जबता है कि रिवायतों की में अगर दूसरी रिवायतें तो इन रिवायतों के में कमी आ जाती है। और वो हसन के दर्जे में गुफ्तु का नतीजा रिवायत बिल्कुल रद्द करने के काबिल नहीं हो जाती हैं अमल किया जा सकता है पाक वसलम ने और बाद में खैर क्रूर ने सहाब ए से बेन से तब ताबीन से इस रात की फजीलत में रिवायात मरवी हैं लिहाजा इस रात को इबादत में गुजारा जाए ज्यादातर फजूल गोई से अपने आप को बचाया जाए अब तो कोरोना का सिलसिला है इसलिए बाहर जाने का मस्जिदों में जाने का और कब्रिस्तान जाने का शायद सवाल नहीं रहेगा लेकिन उसके बावजूद अपने घर से ये तमाम काम किए जा सकते हैं इबादतें की जा सकती हैं बाज लोग मखसूस कोई छह रकातें जमा होकर पढ़ते हैं दो रकात फलान की दो रकात फलान की इसका कोई सबूत नहीं है अपनी अपने तौर पर इंफरादी तौर पर इबादत करें दुआएं करें अल्लाह से मांगें अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हों इस वबा के लिए खास तौर पर आलम इस्लाम के मुसलमान और सुलह हर बंदे मोमिन मोमिना रो रो कर गिड़ गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा को पूरे आलम से दूर फरमाए और अल्लाह तो जो हमसे नाराज हो गया है अल्लाह अपने फजल से तू राजी हो जा हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह हमें सच्ची तोबा की तोफीक अता फरमा दे अल्लाह तू हमसे राजी हो जा हमें यकीन है और हम जानते हैं कि ये सब कुछ हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है हमारे गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमतें भी बेशुमार है हम तेरी रहमतों के तालिब है अल्लाह तेरी गुस्से से नजात चाहते हैं, तेरे से अपना फजल का तकाजा करते हैं तू करम का मामला फरमा दे उम्मत पर रहम का मामला फरमा दे आगे अल्लाह रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना आ रहा है अल्लाह बड़ा अजीम तरीन महीना आ रहा है और ऐसा महीना आ रहा है मरतबे के अतबार से जैसे हजरत यूसुफ सलाम को अपने बारह भाइयों में फजीलत हासिल थी अल्लाह रमजान मुबारक को ऐसी फजीलतू ने अता फरमाई है जन्नत को सजाया जाता है डेकोरेट किया जाता है रोजाना ए अल्लाह तू लाखों की तादाद में और बेशुमार तादाद में जहन्नमियों को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाता है ऐसे अवकात की कदर करने की तोफीक अता फरमा ये लॉकडाउन को अल्लाह ऐसा खोल दे कि हम फिर नमाजें मसाजिद में अदा कर सकें, तरावी हो सके इबादत हो सके रोजे आफियत के साथ हो सके शहरी इफ्तार की शक्लें पैदा हो सके और अल्लाह तेरी बारगाह में रोना नसीब हो सके अल्लाह अता फ़रमाना इल्ला सेहत अता फ़रमाना इल्ला ताकत और हिम्मत अता फ़रमाना इल्ला फ़र्ज रोजे रखने की हमें फुर्ती और हिम्मत और ताकत दीजियो और अपने फज्र से तौफीक शादत और इबादत अता फरमाइयो ये थोड़ी सी बातें शाबान और शब बरात के सिलसिले में जहन में आ रही थी इसलिए एक बार आपकी खदमत में मैंने पेश किए हैं उम्मीद है कि इसकी लविशों को माफ किया जाएगा और इसे गौर से सुना जाएगा अल्लाह ताला हमारी ये सुनने को और जो अच्छी बातें हैं उस पर अमल करने को अपने फजल से कबूल और मंजूर फरमाए व आखिर असला